हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडजस्टमेंट्स की। अब आप सोचोगे कि एडजस्टमेंट की बात तो हम रेगुलर वीडियोस में करते ही रहते हैं, लेकिन आज का वीडियो है ये उनसे अलग है, क्योंकि बाकी के जो वीडियोज होते हैं जहाँ पे हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं वो पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज के बारे में करते हैं कि किसी भी स्ट्रेटजी में हम किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे कि एडजस्टमेंट्स हम बेसिकली करते कैसे हैं, व्हाट इज द कोर ऑफ दोज एडजस्टमेंट्स जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं। तो आज के इस वीडियो से आपके एडजस्टमेंट करने की समझ को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे जो सवाल पूछा था कि हॉरिजॉन्टल स्प्रेड और वर्टिकल स्प्रेड में क्या डिफरेंस होता है, तो उसका जवाब ये है कि हॉरिजॉन्टल स्प्रेड जो होते हैं उसमें स्ट्राइक प्राइस होता है वो सेम होता है, लेकिन एक्सपायरीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और वर्टिकल स्प्रेड होता है उसमें एक्सपायरीज हैं वो सेम होती हैं, लेकिन स्ट्राइक प्राइस हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो जिन्होंने भी ये जवाब दिया है वो बिल्कुल ठीक है। और अब आज का सवाल, और आज का सवाल आपके लिए ये है कि प्रीमियम और मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इस सवाल का जवाब आपको आना ही चाहिए। अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता है तो आप रुक जाइए और एक बार फिर से रीथिंक कीजिए कि क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए जो आप पैसा दे रहे हो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये जो पैसा मैं दे रहा हूँ ये किस फॉर्म में जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो कि प्रीमियम और मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है। चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और वहां पे आपको दिखाऊंगा कि एडजस्टमेंट बेसिकली होते क्या है, कैसे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट देखिए बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक वोलेटिलिटी एडजस्टमेंट होता है और एक मूवमेंट बेस्ड एडजस्टमेंट होता है। जब मार्केट में कोई बड़ा मूव आता है और मार्केट आपको चैलेंज करता है तो वहां पे जो हम एडजस्टमेंट करते हैं वो होते हैं मूवमेंट बेस्ड एडजस्टमेंट। लेकिन जब मार्केट में आपको वोलेटिलिटी की वजह से लॉस आना शुरू हो जाए तो वहां पे जो एडजस्टमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी एडजस्टमेंट। तो मूवमेंट बेस्ड एडजस्टमेंट तो आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, मैंने भी उस पर काफी वीडियोज बनाए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का वीडियो है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने मान लीजिए मार्केट में कोई पोजिशन ले ली, उसके बाद मार्केट में वोलेटिलिटी है वो गिर जाती है, तो वहां पे आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, वोलेटिलिटी एडजस्टमेंट आप किस तरह से कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर ये करके दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल यानी संडे को मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाले है कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड्स के ऊपर, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी है वो काफी नीचे की तरफ है। अभी जो सबसे सुटेबल स्ट्रेटजी है वो है कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी कम है। तो इसीलिए ये वर्कशॉप मैं लेके आ रहा हूँ, ये वर्कशॉप कल कंडक्ट होगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैलेंडर और डायगोनल का आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, कभी आपको ट्रेड करनी चाहिए, वीकलीज में आप इनको किस तरह से ट्रेड कर सकते हो और मंथलीज में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ता है तो आप कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड्स में किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, कैसे आप उनको मैनेज कर सकते हो। तो इन्हें नटचा ये कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड्स के ऊपर। ये वर्कशॉप कल कंडक्ट होगी, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि आपको वोलेटिलिटी एडजस्टमेंट किस तरह से करने चाहिए। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और अभी जो सीरीज चल रही है ये मे की सीरीज है। तो यहां पर अब मैं मान लीजिए किसी भी स्ट्रेटजी को ट्रेड करता हूं, स्ट्रेटजी यहां पे कुछ भी हो सकती है। यहां पे आज जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एडजस्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूं कि आपको एडजस्टमेंट किस तरह से करने हैं, ये किसी भी स्ट्रेटजी पे आप कर सकते हो। तो ये कोई स्ट्रेटजी स्पेसिफिक नहीं है, ये आप सभी स्ट्रेटजीज में कर सकते हो। तो इट डजंट मैटर कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी पे आपको दिखा रहा हूं, जिस स्ट्रेटजी पे मैं आपको दिखाऊंगा जरूरी नहीं है आपको ये इसी स्ट्रेटजी पे करना है, या आप किसी भी स्ट्रेटजी पे कर सकते हो। तो यहां पे मान लीजिए मैं एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करता हूं, मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा और मैं यहां पे एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करता हूं। मेरा व्यू क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा और साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि यहां से वोलेटिलिटी है ये ऊपर जा सकती है। तो वोलेटिलिटी ऊपर जाएगी तो एक बुल कॉल स्प्रेड में मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने वेगा को भी लॉन्ग किया है, और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो भी मुझे एक बुल कॉल स्प्रेड में प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि बुल कॉल स्प्रेड है उसका नेचर बुलिश होता है। तो मान लीजिए यहां पे मैं एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करता हूं, मार्केट ट्रेड कर रहा है 18100 पे, ऑलमोस्ट 18100 है ये, एट द मनी का लेवल है। तो मैं क्या करूंगा, लेट से मैं 18100 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लेता हूं 191 रुपीज में। बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, नीचे के स्ट्राइक को हम बाई करते हैं और ऊपर के स्ट्राइक को हम सेल करते हैं।
तो 18100 का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर लिया है, इससे ऊपर मैं जाता हूं, लेट से इससे 200 पॉइंट ऊपर जाके और 18300 का जो कॉल ऑप्शन है इसका एक लॉट मैं सेल कर देता हूं, जो ट्रेड कर रहा है 98 रुपीज पे, तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, मैंने 18100 का कॉल ऑप्शन बाय किया है और 18300 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया है, तो ये बुल कॉल स्प्रेड को मैंने ट्रेड किया है और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होगा, और मेरा प्रॉफिट कितना है 5300 रुपीज का और मेरा लॉस कितना है 4600 रुपीज का। तो ये मेरे बुल कॉल स्प्रेड का पे ऑफ चार्ट बनता है। अब देखिए बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, बुल कॉल स्प्रेड है ये एक लॉन्ग वे का स्ट्रेटजी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको वोलेटिलिटी एडजस्टमेंट किस तरह से करने हैं। मोमेंट बेस्ड एडजस्टमेंट की बात हम हमेशा करते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वोलेटिलिटी बेस्ड एडजस्टमेंट आपको किस तरह से करने हैं। अब मान लीजिए आपके ट्रेड लेने के बाद और मार्केट में वोलेटिलिटी है वो ऊपर ना जाने के बजाय और नीचे जाना शुरू कर देती है, तो अब वोलेटिलिटी नीचे जाएगी तो आपको गिरती हुई वोलेटिलिटी की वजह से लॉस होगा, तो यहाँ पे आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। और दूसरी बात मैंने आपको बताई है वो आपको याद रखनी है, यहाँ पे मैं आपको इस स्ट्रेटजी का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसी स्ट्रेटजी में कर सकते हो, ये यूनिवर्सल है, ये आप किसी भी स्ट्रेटजी में अप्लाई कर सकते हो। मैं बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ कि आपको स्ट्रेटजीज के बीच में शफल किस तरह से करना है, कैसे वोलेटिलिटी में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजीज में चेंज करना है। तो ये जो बुल कॉल स्प्रेड है जो कि लॉन्ग वे का है, मान लीजिए ट्रेड लेने के बाद और मार्केट में वोलेटिलिटी है वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है, तो अब यहाँ पे मैं किस तरह का एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। तो देखिए वोलेटिलिटी जब नीचे गिरेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बुल कॉल स्प्रेड को कन्वर्ट कर दूंगा एक कैलेंडर स्प्रेड में, और ये मैं किस तरह से कर सकता हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर वोलेटिलिटी यहाँ से नीचे गिर जाती है तो मैं क्या करूंगा, ये जो ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है इसमें से मैं एग्जिट कर जाऊंगा, जो मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है इसमें से मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा जो वीकली सीरीज होगी उसमें जाके और जो ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है सेम स्ट्राइक को मैं बाय कर लूंगा। तो ये जो बुल कॉल स्प्रेड है इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक कैलेंडर स्प्रेड में, और कैलेंडर स्प्रेड है उसमें क्या होता है, जब वोलेटिलिटी ऊपर जाती है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और दूसरा यहाँ पे मुझे थीटा का भी गेन मिलेगा, मतलब हर एक पासिंग डे के साथ मुझे थीटा जो टाइम वैल्यू है वो भी मिलेगी, जबकि ये जो स्ट्रेटजी है इसमें थीटा है वो आपके अगेंस्ट काम करता है। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये मैं स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको शफल किस तरह से करना है स्ट्रेटजीज के बीच में जब मार्केट में वोलेटिलिटी है वो ऊपर या नीचे जाती है। तो वोलेटिलिटी अगर नीचे जाती है तो जो बुल कॉल स्प्रेड मैंने ट्रेड किया था इसको मैं कैलेंडर स्प्रेड में ट्रेड कर दूंगा, जो कि लो विक्स एनवायरमेंट में सबसे सूटेबल स्ट्रेटजी होती है। तो ये आपको किस तरह से करना है, इस बुल कॉल स्प्रेड को आपको कैलेंडर स्प्रेड में किस तरह से चेंज करना है ये मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 18300 का जो कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पे सेल कर रखा है इसको मैं हटा दूंगा, और 18100 का कॉल ऑप्शन जो मैंने बाय कर रखा है 25th मई की सीरीज का, यहाँ पे मैं क्या करूंगा 18100 सेम स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन मैं सेल कर दूंगा, लेकिन वीकली ऑप्शन में। तो देखिए ये आपको किस तरह से करना है, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूं, ये मैंने हटा दिया है, और अब मैं क्या करूंगा ऑप्शन चेन को मैं ओपन कर लेता हूं, लेकिन वीकली सीरीज में मुझे जाना है, तो नियरेस्ट वीकली सीरीज कौन सी है 4th मई की, तो 4th मई की सीरीज में मैं गया और 18100 जहां का कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है सेम स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन मैं सेल कर दूंगा, जो कि ट्रेड कर रहा है 51 रुपीज पे, तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, मैंने 18100 का कॉल ऑप्शन ऑलरेडी बाय कर रखा था और अब मैंने क्या किया है सेम स्ट्राइक का वीकली ऑप्शन सेल कर दिया है 18100 का ही। तो ये एक कैलेंडर स्प्रेड बन गया, जो पहले बुल कॉल स्प्रेड था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है एक कैलेंडर स्प्रेड में। लेकिन मैं ये चीज आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी की बात नहीं हो रही है, ये आप किसी भी स्ट्रेटजी में कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि आपको स्ट्रेटजीज के बीच में शफल किस तरह से करना है अगर मार्केट का एनवायरमेंट चेंज होता है, तो अगर वोलेटिलिटी एनवायरमेंट चेंज होता है तो आपको किस तरह से एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी पे जंप करना है, कैसे आप अपने ट्रेड को कन्वर्ट कर सकते हो एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी में। यहाँ पे बात बुल कॉल स्प्रेड या कैलेंडर स्प्रेड की हो ही नहीं रही है, यहाँ पे बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको स्ट्रेटजीज के बीच में शफल किस तरह से करना है जब मार्केट में वोलेटिलिटी का एनवायरमेंट है वो चेंज होता है। तो अगर वोलेटिलिटी ऊपर की तरफ जाती है आपके ट्रेड लेने के बाद तो आप अपने लो विक्स ट्रेड को हाई विक्स ट्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वहीं पे अगर ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो आप अपने ट्रेड को लो विक्स स्ट्रेटजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। किसी और वीडियो में मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा कि वोलेटिलिटी अगर ऊपर की तरफ जाती है तो आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, हालांकि इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं लेकिन उसको काफी टाइम हो चुका है,
तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे आपने एक बुल बोर्ड स्प्रेड को और एक कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट किया जो कि एक लो विक्स एनवायरमेंट स्ट्रेटजी है। तो इस तरह से आपको शफल करना आना चाहिए। एडजस्टमेंट का मतलब ही यही होता है कि मार्केट में जो इन्वायरमेंट है, देखिए मूवमेंट बेस्ड एडजस्टमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वॉलेटिलिटी एडजस्टमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो वॉलेटिलिटी एडजस्टमेंट में जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कैसे आप स्ट्रेटजी में शफल कर रहे हो, कैसे आप एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी में जंप करते हो। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटजीज के बीच में शफल करना है। जैसे जैसे मार्केट में विक्स एनवायरमेंट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजीज के बीच में शफल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ट्रेड ले लिया है और अब मार्केट में कोई भी विक्स एनवायरमेंट आए आप उसी पे स्टिक हो, आप उस स्ट्रेटजी को चेंज नहीं कर रहे हो। आपको डायनेमिक होना पड़ेगा क्योंकि मार्केट डायनेमिक है। जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपको स्ट्रेटजी को चेंज करना है, स्ट्रेटजीज के बीच में शफल करना है। तो चलिए, इस तरह से आप एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी के ऊपर जंप कर सकते हो जब मार्केट में विक्स का एनवायरमेंट है वो चेंज होता है तो। और ये आपको किस तरह से करना है उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि वोलेटिलिटी इटसेल्फ इज ए कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा सा ये आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसके साथ आपको डील करनी होगी क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आप वोलेटिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग आपको सीखना ही पड़ेगा कि मुझे वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग किस तरह के एडजस्टमेंट करने हैं, मूवमेंट बेस्ड एडजस्टमेंट के अलावा वोलेटिलिटी एडजस्टमेंट में किस तरह से कर सकता हूं। और यही चीज मैंने आपको करके दिखाई है। अगर वीडियो आपको एक बार समझ नहीं आया हो तो आप रिपीट करके देख सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके वो भी पूछ सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल यानी संडे को मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाले हैं कैलेंडर और डायगनल स्प्रेड्स के ऊपर। इस वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि कैलेंडर और डायगनल स्प्रेड्स का आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, वीकलीज में आप किस तरह से इनको ट्रेड कर सकते हो और मंथलीज में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। साथ ही आपका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, व्हाट इज द आइडियल कॉम्बिनेशन जहां पे आपको ट्रेड करना चाहिए, कि किस सीरीज में आपको ऑप्शन सेल करना है, किस सीरीज में आपको ऑप्शन बाय करना है, वो आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, और अगर मार्केट आपके कैलेंडर स्प्रेड या डायगनल स्प्रेड को चैलेंज करता है तो आप इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो, किस तरह के एडजस्टमेंट आप यहां पे कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा। तो इन्हें नटशेल ये कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है कैलेंडर और डायगनल स्प्रेड्स के ऊपर। ये वर्कशॉप कल कंडक्ट होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।